हेलो गाइस, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेसिपी। आज हम आलू के बहुत ही अच्छे मिनी समोसे बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इन्हें बॉईल करके छील के रख लिया है। 2 चम्मच मैंने लिया है मैदा परात में। थोड़ी सी मैंने डाली है अजवाइन। 4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका हमें एक टाइट डो तैयार करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे इसका एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमारी मुठिया बन रही है, इसका मतलब कि हमारा मोइन अच्छे से लग गया है। अब इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका डो बनाते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी, एकदम हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, अदरवाइज़ हमारा जो डो है वो काफ़ी लूज़ हो जाएगा। और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब इसका हम एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। देखिए डो हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट के ऊपर रख दूंगी। इसके लिए इसे हमारा जो डो है सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में। साथ ही में मैं डाल दूंगी जीरा 1/2 चम्मच। इसी के साथ डाल दी मैंने 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। नमक स्वाद अनुसार नमक डालें आप, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसी के साथ मैंने डाल दी है इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1/2 चम्मच से भी कम। 1/2 चम्मच मैंने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है चाट मसाला। 1/2 चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर। सभी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अब जो हमने आलू बॉईल करके रखे हुए थे उसके अंदर डाल देंगे। सारे आलू को मैश करके इसके अंदर डाल देना है हमने। देखिए आलू मैश हो चुके हैं और ऊपर से मैंने डाल दिया है धनिया। 1/2 कटोरी के करीब मैंने धनिया धोकर काट लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिए। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए हमारा स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है, यहाँ हमारा डो भी सेट हो गया है अच्छी तरह से। इस तरह का हमें डो चाहिए। अब देखिए इसे हम लंबाई में थोड़ा सा रोल कर लेंगे। इसके 2 पार्ट्स में से हम डिवाइड करके इसकी एक लोई बनाएंगे। अब इसके हम छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे। जिस हिसाब से हमें समोसे बनाने हैं, बड़े या छोटे, आप जो भी साइज़ आपको अच्छा लगे उसी साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ में कट किया है। जिस हिसाब से पूरी हम पूरियां बनाते हैं उसी हिसाब से मैंने इसकी लोई काटी है। देखिए अब इसे मैंने बेल लिया है सेंटर में। अब इसका एक साइड का हम पीस उठाएंगे और इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखिए समोसे बनाने के लिए इस तरह हमें फोल्ड करना है। ये इजीली फोल्ड हो जाता है और इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। ऊपर से हम अच्छी तरह से ये प्रेस कर देंगे ताकि इसकी जो सील है वो खुले ना। देखिए इसी तरह से हमने दूसरे पीस को भी उठाकर इस तरह से रोल करना है और जो हमारी आलू की स्टफिंग है इसके अंदर डालनी है। जितनी इसके अंदर आ जाए हमें उतनी ही स्टफिंग डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी। और बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस कर देना है सभी तरफ से। देखिए सील हो चुका है। मैं आपको दोबारा से फिर दिखा देती हूँ। ये प्रेस हमें बड़े अच्छी तरह से करना है। अगर हमारी स्टफिंग बाहर आएगी तो हमारे जो समोसे हैं बनकर ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमें इसे सील करना है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है ऊपर से। ये देखिए हमारा समोसा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे समोसों को रेडी कर लेना है। देखिए स्टफिंग हमें उतनी ही डालनी है जितनी इसके अंदर आ जाए, उससे ज़्यादा हमें नहीं डालनी, तो हमारे समोसे जो हैं फट जाएंगे और बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे बनकर। ये देखिए अभी हमारे समोसे सील हो चुके हैं।
सारी समोसे मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ऑयल है गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है मैंने। अब जितने एक बार में समोसे आएंगे उतने ही हम इसके अंदर डालेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल आराम से हमें फ्राई करना है। जितना हम मीडियम टू लो रखेंगे, गैस की फ्लेम कम रहेगी, उतने क्रिस्पी समोसे बनकर हमारे तैयार होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आपके लिए आऊँगी। देखिए समोसे का कलर भी चेंज हो गया है। सिर्फ 5 या 6 मिनट हमें लगे हैं इसे फ्राई करने के लिए। और देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है समोसे के ऊपर। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। ये देख सकते हैं आप, हमारे समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया और बनकर ये इतने टेस्टी तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। और अब हम सर्व करेंगे इसे प्लेट में। मैं आपको एक समोसा तोड़कर दिखा देती हूँ और अंदर से देखिए कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं ये। लेकर आएंगे और नई नई रेसिपीज़। तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी। मिलेंगे।